नमस्कार। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये है बड़ा फेमस JLN मेडिकल कॉलेज बेलागावी, राइट। हम सभी जानते हैं डीम यूनिवर्सिटी में ये बहुत टॉप में माना जाता है, बहुत शानदार माना जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पहली बार आया हूँ और जिसे हिंदी में कहते हैं ना कि मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, मतलब हस्तप्रभ हूँ, मतलब बहुत शानदार। देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, बेलागावी, बेलागाम दिल्ली में रहने वाले शायद मुझे लगता था एक छोटा सा या मिड टाउन का शहर होगा। एक तो ये बेलगाम एक बहुत ही डेवलप सिटी है, सब कुछ है इसमें, मतलब अगर जो मेरे खासकर हिंदी के दर्शक होते हैं और मैं नॉर्थ से कंपेयर करूं तो चंडीगढ़ के मुकाबले का तो ये शहर है ही है। सो चंडीगढ़ लेवल का भी शहर को मानिए, मतलब उतना डेवलप्ड है, सब कुछ है शहर में। हम गोवा से आ रहे हैं, वेरी फ्रेंकली आई एम कमिंग बाई कार फ्रॉम गोवा टू मुंबई, और इस शहर को क्रॉस करने में ऑलरेडी 30 मिनट लग चुके हैं। तो इस शहर का साइज उतना बड़ा है। नॉर्थ इंडिया की भी मैं बराबर बात करूँ तो शायद जयपुर चंडीगढ़ के बराबर का इसे शहर मानिए, आप इसे कोई छोटा शहर मत मानिए कि एक कस्बा नहीं है, शहर भी नहीं, तो प्रॉपर शहर है। मतलब कर्नाटका के हिसाब से जैसे हम बेंगलोर और मैंगलोर को ना मानते हैं, बेंगलोर तो नहीं और लेकिन मैंगलोर के मुकाबले का ये बेलागावी है। इनका जो ग्रुप है ये KLE सोसाइटी बोलते हैं, और ये पूरी पहले KLE यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई और उस KLE यूनिवर्सिटी पिछले 1 किलोमीटर से चल रही है, और उसके अंदर ये जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की आपको एंट्रेंस नज़र आ रही है कि आगे नर्सिंग कॉलेज है, दुनिया भर की कॉलेज है, मतलब मैं क्या बोलूँ इन टर्म्स ऑफ, ये तो प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, मतलब सब कुछ पढ़ा रहे हैं। एक और बात, शहर के बीचों बीच है, जैसे मैंने कहा डेवलप सिटी, शहर के बीचों बीच है और प्रॉपर ये तो चलता हुआ कॉलेज, चलता हुआ अस्पताल है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, और मतलब ये शानदार। और हम भी बच्चों को भेजते ही थे, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, खुद मैंने पहली बार इस कॉलेज को देखा है, क्योंकि देखिए साउथ में ठीक है, बेंगलोर भी कुछ कॉलेज हमने देखे हुए हैं, कस्तूरबा मैंने देखे हुए दोनों, मणिपाल और मैंगलोर, लेकिन कभी मैं बेलगाम आना नहीं हुआ था। गोवा जब भी आते थे फ्लाइट से आते थे, इस बार पहली बार हुआ कि मैं बॉम्बे से फिर कार से आया था गोवा और वापस कार से जा रहा हूँ, तो मैंने बेलगाम से हम क्रॉस करते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग बात, कई हमारे क्लाइंट होते हैं जो नॉर्थ के होते हैं, देखिए गोवा से बेलगाम पहुँचना बड़ा टायरिंग था, 3.5 घंटे का रोड था और बड़े छोटी छोटी सड़कें थी, और अब इसके बाद पूना भी 4-4.5 घंटे ही बचा है। तो अगर नॉर्थ से किसी को आना है तो गोवा से बेलगाम आने के बदले आप पूना से आइए, पूना से बेलगाम का बिल्कुल एक कहते हैं 6 लेन का हाईवे है। वैसे तो बेलगाम में भी एयरपोर्ट है, पर आई एम श्योर कि वहाँ कोई मेजर डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होगी, पर दिल्ली से पूना की तो बहुत डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, जैसे गोवा की भी हैं, और पूना से फिर ये काफ़ी पास है। कोल्हापुर यहाँ से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है, जो बड़ा शहर है, पर दिल्ली से भी कोल्हापुर की डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है, बट आई थिंक ये रूट मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी तो जी सब कुछ शानदार है, और जो कॉलेज की लोकेशन है जी, इसे मैं जनवरी में खड़ा हूँ, मैं आज 5 जनवरी है और हाफ टी शर्ट में खड़े हैं, इट्स कहते प्लेजेंट आफ्टरनून, दोपहर के 2 बजे का समय है, समय सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा बिल्कुल मैं रोड के ऊपर खड़ा हूँ, और थोड़ा सा लेफ्ट राइट में देखिएगा तो बिल्कुल चलती रोड है, और ये इतने से मेन रोड है जो आगे NH नाम बोलो 748 पता नहीं क्या है, यही रोड आगे कोल्हापुर निकल जाएगी और यही रोड पूना निकल जाएगी, तो बड़ी बड़ी चलती रोड है। जैसा मैंने कहा ये एंट्रेंस तो छोटी सी बात है, और पिछले 1 किलोमीटर से, और उसके आगे भी आप देखो तो कौन सा ऐसा बड़ा फूड का आउटलेट नहीं है जो उसके आसपास में नहीं है, KFC, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट बिल्कुल बगल बगल में, मतलब आई थिंक इस कॉलेज के बच्चों के लिए खोले गए हैं। और बाकी जैसे मैंने कहा पूरा एक शहर है जिसमें आपको रस्ते में हमें होंडा का शोरूम या किया का शोरूम या उसके हिसाब से जिसे कहते हैं जिस तरह आप डिफाइन करते हो, कि कोई भी शहर इंडिया का ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है जो यहाँ पर मौजूद ना हो। तो बेलागावी इज़ ए बिग सिटी, इज़ ए फुली डेवलप्ड सिटी, सब कुछ है, और हम जानते ही हैं वो कन्फ्यूजन ज़रूर है। फिलहाल बेलागावी कर्नाटका में है, और मेरे को भी गाड़ी से महसूस हुआ कि हम महाराष्ट्र कल्चर ज़्यादा है, और ये लोग भी जो कहते रहते हैं कि भाई शुड बेलागावी बी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, वो हमेशा एक चीज़ है जो कन्फ्यूजन में अभी है। मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे भी महसूस हुआ गाड़ी चलाते हुए कि यहाँ महाराष्ट्र कल्चर काफ़ी ज़्यादा है, और इट सीम्स की शॉप्स के नाम वो सब के नाम भी महाराष्ट्र पे मराठी में ज़्यादा है। ओके सो बेस्ट विशेज, देखिए मैं फैमिली ट्रिप पे हूँ, कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा मैं नहीं जा रहा, हम सब जानते ही हैं PG सब यहाँ चलता है, और पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी का, कुछ तो प्रोग्राम होने वाला है।
और जैसा मैंने कहा सब कुछ यहाँ पर है, इट्स लाइक अ प्रॉपर कॉलेज। तभी शायद ही हम डीमडी की बात करें तो दोनों कस्तूरबा की ब्रांच के बाद हम के एस हेगड़े या जे एस एस मैसूर या जे एल एन बेलागामी को ऊपर रखते हैं, और इसको रखने में कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म नहीं। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कॉलेज, नो डाउट अबाउट दैट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।